आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। क्या हुआ अब्दुल बारी, नींद से उठकर इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं आपा, मैं बस अपने हाथ और पैरों को देख रहा था। हाथ पैर, वो क्यों? अरे हम नींद में रहते तो कुछ पता ही नहीं रहता, हमारे हाथ पैर और पूरा बदन सो जाते हैं और फिर सुबह उठने पर सब उठ जाते हैं ना? हाँ, नींद बिल्कुल मौत की तरह है, अगर अल्लाह चाहे तो ही हम उठ सकते हैं, वरना इंसान सोता ही रह जाए। सच में आपा? हाँ, इसीलिए तो हमें इतनी अच्छी दुआएं बताई गई है जिन्हें हमें याद रखकर हमेशा पढ़ना चाहिए। तो क्या सुबह उठने की भी दुआ है? हाँ, जब भी हम जाग जाए नींद से उठे तो इस दुआ को पढ़े। कौन सी दुआ आपा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। वाह पा, ये दुआ तो मुझे आती है, अम्मी ने सिखाए थे। तो फिर तुम इसे क्यों नहीं पढ़ते? दुआ तो आती है लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि ये नींद से उठने की बात की दुआ है। वैसे इसके क्या मायने हैं आपा? इसके मायने हैं, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी अता की और हमें अल्लाह के पास लौटना है। वाकई में ये तो दोबारा जिंदगी मिलने जैसे होती है, नींद में हमें पता ही नहीं चलता हम जिंदा है। एक और छोटी दुआ है और वो भी बहुत अच्छी है। वो क्या है, सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी फी जसदिही वरद्द अलैया रूही वअज़िना लिबिज़िक्रिही। ये दुआ तो मुझे नहीं याद है आपा, इसके मायने भी सेम है क्या? नहीं अब्दुल बारी, इस दुआ के मायने हैं, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमारे बदन में ताकत डाली और हमारे रूह को वापस लौटाया और तौफीक दी कि हम अपने रब को याद करें। लेकिन आपा मुझे पहले वाली दुआ याद है, मैं वही पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, हम इनमें से किसी भी दुआ को पढ़े या दोनों को पढ़े। खैर चलो जल्दी से, अम्मी नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आपा, तुम जाओ मैं बस अभी आता हूँ इस दुआ को पढ़कर। जल्दी आना अब्दुल बारी, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ठीक है आपा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोगों ने या बेशतर लोगों ने जो है इन स्टोरीज़ को देख चुके ऑलरेडी अब्दुल बारी के जो कार्टून कैरेक्टर्स में। ये जो वीडियोस है, ये जो चीज़ें हैं, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स मैंने 2.5 से 3 साल पहले गालिबन रिकॉर्डिंग किया था पूरा और रीमेकिंग करना चाह रहा था रियल अब्दुल बारी और अनशरा को लेकर, लेकिन किसी वजूहत से मैं नहीं चाह रहा था कि जो है एक तो वापस से रिपीटेशंस हो और बच्चों के लेकर फिर एक चीज़ बनाई जाए, तो इसलिए मैंने एक 5-6 एपिसोड बनाने के बाद जो इन्हें रोक दिया था इस काम को। लेकिन ये फुटेज वगैरह पूरे पड़े हुए थे और मोर देन 80% लगभग काम हो चुके थे इस पर, तो सोचा अभी बहुत दिनों से कुछ पब्लिश नहीं है तो एज ए रिमाइंडर, चूँकि आप सभी लोग स्टोरीज देख चुके हैं तो एज ए रिमाइंडर इन्हें वापस पब्लिश किया जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, आप लोग जो शेयर करें ज़रूर। जज़ाकअल्लाह खैर आप लोगों का सब्र करने के लिए कि आप लोग अभी तक बने हुए हैं और शेयर भी करते रहते हैं। इंशाल्लाह नए एपिसोड जल्दी पब्लिश करूँगा। दुआओं की दरख्वास्त है दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।